शौक मने पाले नो बस एक फौज का शौक यू पाड़ा रे हो कुर्बान हो जाऊं जे इस वतन पे मेरे घर का तू रखवाड़ा रे मेरे घर का तू रखवाड़ा रे आंखों में आंसू लिए लाडो पसंद तेरी मुस्कान से इस देश पे ही अब मर मिटना यू देश बेटी सोना ये तू क्या कर रही है वहाँ बैठ के पिताजी मैं रंगोली बना रही हूँ रंगोली बना रही है बेटी सोना आज कुछ है के जो तू रंगोली बना रही है हाँ पिताजी आज 15 अगस्त है ना आज के दिन ये ना हमारा देश आजाद हुआ था और आज हमारा राष्ट्रीय त्योहार है जय हिंद हाँ बेटी सोना ये बात तो तू एकदम ठीक कह रही है आज का दिन हमारी सेना के लिए भी बहुत बड़ा दिन है अगर वो लोग ना होते ना तो आज भी हम किसी के गुलाम होते देखो पिताजी जब सेना रात को जागती है तभी हम लोग अपने घरों में आराम से सो पाते हैं सेना हमारे देश का एक बहुत खूबसूरत फूल है जिसे हम कभी मुरझाने नहीं देंगे हाँ बेटी सोना हम अपने फूल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए हाँ पिताजी हमें गर्व है अपने देश पर और अपनी सेना पर भारत माता की जय भारत माता की जय जय जवान जय किसान हमारी सेना की जय हमारी सेना की जय जी सोना जा मेरे लिए एक कप चाय बना दे पिताजी तुम एक मिनट रुको मैं अभी चाय बना के रखती हूँ कोई पीती दिखाई दे रहा मगर राजवीर को बधाई दिया हूँ अब तो 15 अगस्त है अब वो ठीक रहेगा राजवीर भाई ओ भारत माता की जय जय हो भारत माता की आओ लाला जी आओ बैठो हाँ अब तुमने बैठाया लाला जी बैठ गए अरे क्या बात है लाला जी आज तो सब पे 15 अगस्त का रंग चढ़ रहा है हाँ ओ भाई राजवीर ओ मकई तो आजादी का रंग है अब तकड़ा ही चढ़ेगा सब पे हाँ लाला जी यह बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और आजादी के रंग की तो बात ही कुछ और है मन एकदम रंग बिरंगा हो जाता है इसीलिए तो राजवीर भाई हमारे देश की शान तिरंगा है तिरंगा हाँ लाला जी तिरंगा शान है हमारे देश की इसके लिए हम अपने सर तो कटवा सकते हैं मगर इसे झुकने नहीं देंगे हाँ राजवीर भाई इस आजादी के रंग में तो मेरा नाचने को जी कर रहा हाँ नाच लो तो लाला जी तुम्हें किसने रोका है और अगर किसी में दम है और रोक सके तो रोक लो तो फिर हो जाए लाला जी हाँ और हो जाए राजवीर और मैं तो तैयार हूँ चलो लाला जी हाँ और राजवीर भाई चल मैं कौन सा कम हूँ मेरी जान तिरंगा है मेरी शान तिरंगा है अरे लाला जी नाच बाद में लियो पहले चाय पी लो अरे सोना बेटी तुझे कैसे पता चल गया अब मैं आ गया लाला जी थारी आवाज अंदर रसोई तक जा रही है अच्छा बेटी सोना जल्दी आ जल्दी आ गया राजवीर भाई कब चाय पियोगे लाला जी बैठो लाला जी ये लो चाय पियो और पिताजी तुम भी पियो चाय पिताजी तुम चाय पियो मैं अभी 2 मिनट में आ रही हूँ तू कहाँ जा रही है बेटी सोना पिताजी मैं थोड़ा खेतों की तरफ घूमने जा रही हूँ ठीक है बेटी सोना जा ठीक है पिताजी ये लाला भाई राजवीर
कहाँ देखा लाला जी, आजकल अच्छे छोरे मिलते कहाँ है। उनका भाई राजवीर और ढंग से एक ही है, अब कोई अच्छा छोरा और चुरबुर मिलेगा। हाँ लाला जी, लगा तो हूँ मैं देखने में, अगर अच्छा छोरा मिल जाए तो है। मिलेगा और भाई राजवीर और मिलेगा, कोई अच्छा छोरा और जरूर मिलेगा। देखते हैं लाला जी कब तक मिलता है। ठीक है भाई राजवीर, और मैं चलो दुकान पे, बाहर हो रही मुझे। ठीक है राजवीर भाई, और मगर राम राम। राम राम लाला जी, राम राम। लाला जी कैसे पेड़ के चक्कर काट रहे हो, किसी ने ज्यादा चाबी भर दी थारे अंदर। अरे ओ जहांगीर के, अब गुड्डा समझ रहा मुझे। अरे लाला जी तुम गुड्डा थोड़ी हो, तुम तो बुड्ढा हो बुड्ढा। अरे ओ जहांगीर के, मुझे कुछ भी कह ले और बुड्ढा ना कह दिए, और नहीं तो मारते मारते तेरा बसरा बदल दूंगा मैं। अच्छा लाला जी, तुम चेहरा भी बदल देते हो, तो लाला जी तुम एक काम करो, मेरा यू चेहरा बदल के ना रणवीर सिंह का चेहरा लगा दो मेरे। क्यों, तू भी नंगा घूमना चाहते? अरे लाला जी मेरा दिमाग थोड़ी खराब है, जो मैं नंगा घूमूंगा तो फिर मेरी गैल तू बकवास क्यों कर रहा है। अरे लाला जी मैं थारी गैल बकवास कर रहा हूँ या तुम मेरी गैल बकवास करने लग रहे हो? मजा होशियारी दिखा रहा, पर तुम बता इस पेड़ में टक्कर क्यों मार रहा था तू? अरे लाला जी मैं इस पेड़ में टक्कर नहीं मार रहा हूँ। क्या टक्कर नहीं मार रहा था? अरे पड़ा कैसे? अरे लाला जी ना मैं इस पेड़ में टक्कर मार रहा हूँ और ना मैं इसे उखाड़ रहा हूँ। ओए धर्मवीर के, और झूठ ना बोलना मेरे को, मैंने दूर से देखा तुझे झूठे भी यार टक्कर मार रहा था इस पेड़ में। अरे लाला जी मुझे लग रहा है थारी ये आंखें जो है ना खराब हो गई है, जाके किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे ओ धर्मवीर के, मैंने आंख बनवा रखी और असली क्वालिटी के लेंस लगवा रखे मैंने, मैं तो रात को भी नहीं बता दूं अब अगर सीटानी तो आलोचनी समझ गया, अब नहीं समझा। अरे लाला जी तुमने उल्लू की आंखें फिट करवा रखी हैं क्या, जो तुम्हें रात में भी दिखता है? अरे मैंने किसी की भी लगवा रखी, तू के धार में। अरे लाला जी तुम तड़की तड़क मेरा दिमाग तो खराब करो मत नहीं, मुझे तैयारी करने दो। अरे किसकी तैयारी कर रहा, पेड़ उखाड़ने की और किसमें टक्कर मारने की, बता तो सही। अरे लाला जी तुम तड़की तड़क मेरा दिमाग तो खराब करो मत ना, तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं थारे इस मटके में ही टक्कर मार दूंगा। अरे ओ धर्मवीर के, मेरे मटके के बारे में कुछ ना बोल दिए और इतना मार तू मोर बना दूंगा मैं। अरे लाला जी तुम मुझे मोर क्यों बना रहे हो, तुम एक काम करो ना मुझे किसी का पति बना दो ना लाला जी। हाँ यू तो मुझे पता, वहाँ का तेरा ब्याह की आग लग रही। तो लाला जी इस आग को बुझाने का कुछ जुगाड़ सही कर दो। अरे धर्मवीर के, मेरा नाम लाला बिगाड़ू है ना कि लाला बिचौलिया, जो मैं तेरा ब्याह करवा दूँ, समझ गया? अब समझाऊ तो के हो गया लाला जी, बन जाओ मेरे लिए बिचौलिया। क्यों, मैं तेरी बुआ का छोरा हूँ जो तेरा बिचौलिया बन जाऊ? अरे लाला जी अगर तुम मेरे लिए बिचौलिया नहीं बन सकते ना तो फिर थारा इस गांव में रहने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तेरा कुछ नहीं है, मेरा तो बहुत फायदा है इस गांव में रहने का। अरे लाला जी तुम जाओ यहाँ पे, तुमने सारा मूड खराब कर दिया मेरा। हाँ मैं तो चले जाऊंगा और के मैं बैठ के यहाँ तेरा मूड बनाऊंगा, पर तुम बता यहाँ क्या कर रहा तू? अरे लाला जी मैं आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। क्या कह रहा, मिलिट्री की तैयारी कर रहा?
बा गुड्डू या तो बहुत बढ़िया बात है, अरे मगर देश की सेवा से बढ़िया तो अब कोई काम है ही नहीं। अरे लाला जी, ये हिंदुस्तान मेरी जान है, इसके लिए मैं किसी की जान ले भी सकता हूँ और अपनी जान दे भी सकता हूँ। भाई गुड्डू, मगर हिंदुस्तान तो मेरी जान है और जान के पूरा जहान है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकूं। ये हुई ना लाला जी बात, बिल्कुल असली हिंदुस्तानी वाली। बेटा गुड्डू, अब तू तैयारी कर और मैं चला दुकान पे। ठीक है लाला जी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। यो लाला भी पूरा ही हो रहा है गति। राम राम अभी की बेचे। राम राम hey! लाला जी, मैं तुम्हें दुकान पर ढूंढ रहा, तुम पूरे गांव के चक्कर काटते फिर रहे, सब ठीक ठाक तो है लाला जी? अरे ओ, मेरा तो सब कुछ ठीक है, पर तूने बता ओ मगर तेरा कोई पेच वेच ढीला तो नहीं हो गया? अरे लाला जी, मेरे तो सारे पेच टाइट है। अब तो फिर बरसाती में देखी झाल गाल में उछलता क्यों फिरे, और जाके अपने घरों लौट। अरे लाला जी, मैं तो आराम से लौट रहा था। हाँ, अगर तू आराम से लेट क्या था तो फिर मुझे नू बता तेरे कौन सा तेरा दुखिया जो गली में हमें देख की धार उछलता फिर रहा। लाला जी, मैं उछल नहीं रहा था, मैं तो तुम्हें ढूंढ रहा था। अरे मुझे क्यों ढूंढ रहा तू तड़की था है? मैंने कौन सी तेरी भूरी खोल ली? लाला जी, मेरे घर पे भैंस नहीं है। तो फिर तू क्या चाह रहा है? मैं तुझे अपनी भूरी भैंस बेच दूँ क्या? अरे लाला जी, मैं थारे घर भैंस खरीदने थोड़ी आया हूँ। और फिर तू क्या मेरे घर अपनी किसी पर मार आया? लाला जी, मेरी पूरी बात तो सुनो पहले। मैं भी सुनू तेरी पूरी बात? तने मुझे पूरी बात सुनने के पैसे दे रखे है? तो लाला जी, आधी बात ही सुन लो मेरी। मैं क्यों सुनू तेरी आधी बात? बात सुनने के पैसे लगे, आई तेरी बात समझ में नहीं आई। अरे लाला जी, कितने पैसे लगते हैं बात सुनने के? सुन, आधी बात सुनने के 100 रुपए और पूरी बात सुनने के 200 रुपए। फिर एक काम करो लाला जी, तुम अपनी दुकान पर जाओ। क्यों, तू दुकान पे सुना होगा क्या? सुन, दुकान पे मैं किसी की फालतू फालतू की बात नहीं सुनता, जो सुनाना यही सुना दे। अरे लाला जी, मुझे कुछ नहीं सुनाना था। मैं क्यों नहीं सुनाता? हम अगर लाला बिगड़ू बिना सुने नहीं जाने का यहाँ पे, क्या तो सुना दे और नहीं तो तेरा कबूतर बना दू मैं। अरे लाला जी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सुनाऊ कैसे तुम्हें? तू एक काम कर, तू अपना फोन मेरे द्वारा दे दे, इसके बदले में सुन लूंगा क्या क्या है तू। लाला जी, ये फोन मेरे सजाड़ के मिला, इसे मैं धर नहीं सकता। तो तू एक काम कर, अपने ससुराल वालों को गिरवी दे दे मेरी दुकान पे। अरे लाला जी, वो क्या बोल रहे तुम? अब मगर क्यों, तने मेरी बात सुनी नहीं? अच्छा तुमने पूछा और मैंने क्या बोल दिया? लाला जी, सुन ली मैंने थारी बात, मैं बहरा थोड़ी हूँ। तू बहरा थोड़ी है मेरे सुने, तू तो पहरा बैठे पहरा बैठ। लाला जी, मैंने तुम्हें रोक के गलती कर दी। अरे तू के रोकेगा मुझे? लाला जी गाड़ू को रोकना बड़े बड़ो के बस की बात नहीं है, समझ गया? अब नहीं समझा? लाला जी, मुझे तो बहुत जोर के चक्कर आ रहे, जो थारी आगे हो तो मैं घर चला जाऊँ। हाँ, और चले जा, मैंने कौन सा तुझे पकड़ रखा? अरे हमारा हो गया तेरा तो काम। भाई, ये लोग भी कभी नहीं सुधरेंगे, इन्हें चाहे कितना भी समझा लो। बताओ, मेरा ससुरा गुड्डू सड़क पे धूल सी छाट रहा। पता नहीं पिताजी, चलो चल के देखते हैं क्या बात है। हाँ चल, चल के देखते हैं। हाँ चलो। प्यार करी थी संदूक जद जावे था, वो तो मार के सलूट से दिखावे था। अरे गुड्डू, ये क्या कर रहा है तू? अपने देश की शान उठा रहा हूँ सोना। तिरंगा? हाँ, ये हमारे देश की पहचान है और हमारी शान है और हमारी
जान है। अरे क्या बात है बेटा गुड्डू, आज तो तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। चाचा जी मैं बातें अच्छी ही करता हूँ, अब किसी की समझ में ना आए तो मैं क्या करूँ। हाँ बेटा गुड्डू, आज तो मुझे भी लग रहा है कि तू बहुत अच्छी बातें करता है। हाँ चाचा जी, इन लोगों को भी एक अच्छी बात समझानी है, आ जाओ इधर। आप सभी देशवासियों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि अगर आप लोग तिरंगे को नहीं संभाल सकते तो प्लीज इसे दुकान से ना खरीदें, और अगर दुकान से खरीदें तो इसे इधर उधर सड़क पर ना फेंकें, क्योंकि ये हमारे देश की पहचान है और हमारी शान है और हमारी जान है। हाँ दोस्तों, गुड्डू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इस तिरंगे को हमेशा ऊपर उठा के रखना और इसे कभी झुकने मत देना। और आप सभी देशवासियों को हमारी तरफ से 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी जान तिरंगा है, मेरी शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा।